हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नोडल एनालिसिस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे मेश एनालिसिस के बारे में, आज हम लोग नोडल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि नोडल एनालिसिस से कैसे एक सर्किट का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नोड क्या है, सर्किट में नोड किसे कहते हैं, क्योंकि नोड ये जो वर्ड है इससे ही आता है नोडल। सो नोड हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद नोडल एनालिसिस से वो नोड को एनालिसिस करके हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट, जान लेते हैं कि नोड क्या है सर्किट में। ओके, सो एक सर्किट कंसीडर करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स, ये एक सर्किट। ओके, सो नोड का डेफिनेशन क्या है, पहले इसको नाम दे देते हैं, R1, R2, R3। तो नोड का डेफिनेशन है, नोड इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू ब्रांचेस इन ए सर्किट। ओके, सो इस सर्किट में ब्रांच क्या है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 ब्रांच है। तो नोड हम किसे कहेंगे कि जिस पॉइंट में दो या उससे अधिक ब्रांच अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कि नोड। ओके, सो मान लेते हैं ये एक जंक्शन पॉइंट। ओके, दिस वन इज अ जंक्शन पॉइंट। देखो ये जंक्शन पॉइंट में 1, 2, 3 ब्रांच वहां पे अटैच्ड है, तो इसे हम बोल सकते हैं एक नोड। ओके, एक नोड बोल सकते हैं। ये देखो एक पॉइंट है जिसमें देखो ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच और ये दूसरा तीन ब्रांच यहाँ पे अटैच हुए हैं, ठीक है, थीके? तो इसे हम बोलते हैं कि नोड। तो इस तरह से बहुत सारा नोड होता है सर्किट में डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस। ओके, सो ये नोड को एनालिसिस करके, हर एक नोड को हम लोग कंसिडर करके, हर एक नोड को एनालिसिस करके हम लोग ये सर्किट का किसी भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। दैट इज दिस, अगर नोड से हम लोग एनालिसिस करके सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे नोडल एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। नोड किसे कहते हैं, राइट। सो यह है नोड, तो नोड को हम लोग एनालिसिस करके सर्किट का कोई भी पैरामीटर, करंट हो सकता है, किसी भी ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप, पावर, इसे हम निकाल सकते हैं इजीली। ओके, सो दिस इज नोडल एनालिसिस, राइट। सो नोडल एनालिसिस को समझने के लिए और एक चीज समझने की जरूरत है, वो देखो क्या है। मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। इसके दोनों टर्मिनल में जो वोल्टेज है दैट इज वी ए एंड वी बी। ओके, तो ये आई का जो वैल्यू है, क्योंकि नोडल एनालिसिस में हम लोग करंट से डील करेंगे। ओके, कैसे करेंगे हम लोग, जब इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा। तो करंट से डील करेंगे, तो ये जो सर्किट, ये जो एक मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में वी ए दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो ये जो करंट है इसको हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस की, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, आई इक्वल्स टू वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ओके, सो वोल्टेज डिफरेंस मीन्स इट मे बी वी ए माइनस वी बी और इट मे बी वी बी माइनस वी ए, कोई भी एक हो सकता है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे वो देखो, देखो करंट का डायरेक्शन यहां पे क्या है, करंट का डायरेक्शन वी ए से वी बी तक है, मतलब फ्रॉम वी ए टू वी बी, राइट। तो हम लोग यहां से इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस पॉइंट इज इन मच मोर हायर पोटेंशियल देन दिस, सो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्लियर, क्योंकि करंट यहां से यहां तक फ्लो रहा है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ओके, सो ये पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज लोअर पोटेंशियल, क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको नहीं। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस वैल्यू, क्लियर हो गया। तो इसकी मदद से भी हम लोग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने क्रॉस दिया है क्योंकि फिलहाल के लिए समझने की फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, देखो ये वी ए वी बी है, करंट यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है,
सो हम लोग कह सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ओके, तो सिंपल हम लोग अगर पॉजिटिव करंट को करंट की इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे तो वी ए माइनस वी बी बाई आर, अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो बाई आर, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर, क्लियर। सो दैट इज माइनस आई, माइनस आई मीन्स पॉजिटिव ऑफ दिस आई, माइनस आई का मतलब क्या है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड माइनस, सो करंट इज एक्चुअली करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, क्लियर। ये पहले समझो, क्यों समझना है, क्योंकि अगर हम लोग सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सर्किट को एनालिसिस करेंगे यूजिंग नोडल एनालिसिस, हम लोग हमको क्या करना पड़ेगा, करंट से डील करना पड़ेगा। तो ये करंट को, करंट का जो डायरेक्शन है ये समझना जरूरी है। यहाँ पे वी ए माइनस वी बी हम लोग लिखे हैं तो करंट ऑलवेज वी ए से वी बी तक जाएगा। ओके, अगर करंट का डायरेक्शन ये होता, मान लो कि करंट का डायरेक्शन ये है आई वन, सो आई वन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए बाई आर इजिली। ओके, सो ये जो हम लोग लिखे हैं इक्वेशन, इससे पता लगता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, मतलब वी ए यहाँ पे आगे है सो वी ए इज इन हायर पोटेंशियल देन वी, सॉरी वी बी यहाँ पे आगे है सो वी बी इज इन हायर पोटेंशियल देन वी ए, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी बी टू वी ए, एंड फॉर दिस केस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी ए टू वी बी, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो करेगा तो हम लोग उस रेजिस्टेंस की दोनों अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसकी मदद से ये करंट का जो इक्वेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सर्किट के प्रॉब्लम को यूजिंग नोडल एनालिसिस। एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये एक बैटरी है, ओके, दिस इज वी, आर वन, आर टू एंड आर थ्री। ओके, हम लोगों को क्या निकालना है, करंट फ्लो थ्रू आर टू। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड आई यूजिंग नोडल एनालिसिस, क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम पाते ही हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रॉब्लम पाते ही ये करंट का वैल्यू निकालना है, प्रॉब्लम हम लोगों को मिल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सर्किट में कितना नोड है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो कितना नोड है, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके, पर यहाँ पे देखो ये नोड और ये नोड और ये, मान लो कि ये तीन नोड एक ही नोड है, क्योंकि ये इसमें इन तीनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट में जो पोटेंशियल है इस पॉइंट में भी सेम पोटेंशियल रहेगा, तो ये नोड हम लोग एक ही नोड एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना नोड है, वन टू थ्री फोर, और एक चीज देखो ये जो पूरा लाइन है इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो सेम पोटेंशियल रहेगा, तो ये मिला के एक नोड, दो और तीन नोड है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। कितना नोड है, वन टू एंड ये सब मिला के एक नोड, ओके, दैट इज सो थ्री नोड्स है, हो गया। तो नोड नंबर ऑफ नोड्स हम लोगों को पता लग गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड में हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल को लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, हर एक नोड मतलब ये जो वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री जो नोड है इसमें कितना पोटेंशियल है सर्किट में वो हम लोग लिखेंगे। उसे लिखने के लिए हम लोग को एक नोड जो है उसे बेस नोड एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग ये जो नोड है इसको हम लोग बेस नोड एज्यूम करते हैं, दैट इज जीरो, दैट मीन्स ये जो नोड है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग सभी नोड का जो पोटेंशियल है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये नोड से देखो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, राइट, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा मतलब यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे कितना आएगा जीरो, यहाँ पे कितना आएगा जीरो, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब वोल्टेज सोर्स के बारे में डिस्कस किए थे तब ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये इन दोनों बीच पॉइंट के बीच में एक भी वोल्टेज
अटैच्ड है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी। सो यहां पे जीरो है, मतलब यहां पे क्या होगा, वी वोल्ट। क्लियर, यहां पे जीरो वोल्ट है तो यहां पे क्या होगा, वी वोल्ट। सो जीरो 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 वी, ये बाकी है राइट। तो यहां पे वी वोल्ट है तो यहां पे क्या होगा, अदर देन वी होगा, क्योंकि यहां से करंट फ्लो होने की वजह से यहां पे एक ड्रॉप होगा। सो वी से अगर वो ड्रॉप हम लोग माइनस करेंगे तब ये वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल आएगा राइट। पर यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है वो हम लोगों को नहीं पता है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, सो हम लोग यहाँ का जो वोल्टेज है वो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे एक अननोन वोल्टेज लिख लेते हैं, दैट इज वी वन। क्लियर, दैट इज अननोन है, इसको हम लोगों को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड आई। सो आई निकालने के लिए देखो, आई मीन्स वी वन माइनस जीरो बाई आर टू, क्योंकि करंट क्या है, एक रेजिस्टेंस का दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू। सो यहाँ पे वी वन है, यहाँ पे जीरो है, सो वी वन माइनस जीरो बाई आर टू, दैट इज आई। क्लियर, तो वी वन हम लोगों को निकालना है, समझ में आया क्या करना है। अब देखो क्या कैसे करते हैं ये, तो हम लोग फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम था, हम लोगों को निकालना था I, that means current flow through R2 resistance, clear? तो problem मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड में कितना potential है वो हम लोग लिख लेंगे first। तो वो लिखने के लिए एक नोड को हम लोगों को reference या base नोड assume करना पड़ेगा, which is zero node, zero potential node, okay? So हम लोग ये assume किए हैं right? तुम लोग ये भी assume कर सकते हो, पर convenient है कि ये जो voltage source का जो negative terminal है उसके एसोसिएटेड जो नोड है वो हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं, क्योंकि वो अगर जीरो एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे हम लोग कोई भी अननोन एज्यूम करेंगे तो एक मतलब जो इक्वेशंस ड्रॉ करना या कैलकुलेशन करना आसानी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जीरो एज्यूम किए हैं, तो जीरो देखो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जीरो। यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जीरो। यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जीरो, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे वी वोल्टेज अटैच है, यहाँ पे जीरो है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वी वोल्ट होगा। यहाँ पे भी से अगर इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये हम लोगों को पता रहता, तो भी से अगर वो माइनस करते तो यहाँ का पोटेंशियल आता, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो करंट का जो वैल्यू है वो नहीं पता है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये R1 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग भी से वो माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखना मुश्किल है, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग एक अननोन पोटेंशियल यहाँ पे लिखे हैं। Clear? That is V1. Okay? So potential लिखना हो गया, that is step one. Step by step करोगे तो easy रहेगा, ठीक है। तो that is step one. तो step one में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो कितना node है वो हम लोग identify कर लेंगे, फिर हर एक node में हम लोग potential लिख लेंगे। Potential लिखने के लिए एक node को base node assume करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग KCL apply करेंगे, Kirchhoff's current law, that is KCL. Kirchhoff's current law apply करेंगे। Kirchhoff's current law क्या बोलता है? Kirchhoff's current law states that for any particular node, the algebraic summation of incoming current equals to the algebraic summation of outgoing current or outgoing current. Okay, incoming current equals to outgoing current. तो that means ये node में जितना amount current incoming होता है, that means input होता है, same amount of current output में भी जाएगा. That is KCL. राइट, सो यहाँ पे देखो ये नोड जो है ये अननोन नोड है, तो इस नोड में हम लोग नोडल एनालिसिस करने, हर एक नोड को हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अननोन नोड क्या है, ये तो सभी नोड नोड है, इसको एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है, इसका वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता है, ये नोड का वैल्यू नहीं पता है, राइट। सो इस नोड में हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, राइट। सो अप्लाइंग KCL ऑन नोड वी वन, क्या देखो ये नोड में हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, तो इस नोड में हम लोग पहले देखेंगे कि इनकमिंग करंट कितना है और आउटगोइंग करंट कितना है, ठीक है। तो इनकमिंग करंट देखो हम लोग, ये सभी हमारा एजाम्पशन के ऊपर है, ठीक है, ये क्लियर कर लो, ये सभी हमारा एजाम्पशन के ऊपर है। क्यों, देखो मान लो कि
हम लोग ये जो है ये रेड इंक से लिखते हैं, ये जो है ये इनकमिंग करंट अज्यूम किए हैं और ये दो जो है ये आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस अजम्पशन वी कैन राइट फॉर दिस, राइट लिख सकते हैं, क्योंकि करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो रहा है, वी हैव अज्यूम दैट, सो वी माइनस वी वन बाई आर वन, सो दैट इज इनकमिंग करंट, और कोई इनकमिंग करंट नहीं है, सो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज दिस इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। यहाँ पे आउटगोइंग करंट क्या है, देखो वी वन माइनस जीरो बाई आर थ्री एक आउटगोइंग करंट है और दूसरा आउटगोइंग करंट वी वन माइनस जीरो बाई आर टू, सो वी वन माइनस जीरो बाई आर थ्री प्लस वी वन माइनस जीरो बाई आर टू, हो गया इक्वेशन। यहाँ पे देखो सभी नोन है, सभी पहले से दिया हुआ था, आर वन आर थ्री आर टू भी सभी दिया हुआ था, सिर्फ क्या अननोन है वी वन। सो इस इक्वेशन से हम लोग इजीली वी वन का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा क्या कहा था कि ये जो करंट का डायरेक्शन है ये सभी हमारे एजम्पशन के ऊपर है कि नहीं। तो ये जो करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किए थे इसको चेंज कर देते हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो करंट है ये इनकमिंग है, ठीक है, और ये जो करंट है ये भी इनकमिंग है, सिर्फ ये जो करंट है ये आउटगोइंग है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन दिस एजम्पशन वी कैन राइट, देखो क्या है, सेम नोड में हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं, तो फॉर दिस करेंट वी माइनस वी वन बाई आर वन, यस। नेक्स्ट देखो ये क्या है, आर टू में ये जो करेंट इनकमिंग हो रहा है इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस जीरो माइनस वी वन बाई आर टू। क्यों जीरो माइनस वी वन है, क्योंकि करेंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है कि नहीं, तभी तो यहाँ पे इनकमिंग होगा, तो जीरो माइनस वी वन बाई आर टू हो गया इक्वल्स टू, देखो फॉर दिस करंट क्या है, वी वन माइनस जीरो बाई आर थ्री, ठीक है, हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर इसको इक्वल्स के उस पार लेके जाएंगे तो क्या आएगा, वी वन माइनस जीरो बाई आर थ्री, ये तो सेम रहेगा, ठीक है, माइनस ये माइनस हो जाएगा जीरो माइनस वी वन बाई आर टू, क्लियर। फिर से हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी माइनस वी वन बाई आर वन इक्वल्स टू वी माइनस जीरो बाई आर थ्री, ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस वी माइनस जीरो बाई आर टू, मिल रहा है, देखो दो इक्वेशन, वी माइनस वी वन बाई आर वन, वी माइनस जीरो बाई आर थ्री, वी माइनस जीरो बाई आर टू, सेम है। तो हम लोग एज्यूम किए थे कि करंट का डायरेक्शन हमारे ऊपर है, क्या एज्यूम करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, पर उसके हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर राइट इक्वेशन लिखोगे तो इस प्रोसेस में जो आंसर आएगा इस प्रोसेस में भी सेम आंसर आएगा, है कि नहीं, राइट, समझ रहे हो ना। अब हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो सभी जो करंट है वो इनकमिंग करंट है, सभी इनकमिंग करंट है, ठीक है। तो सभी इनकमिंग करंट है मींस क्या लिख सकते हैं, देखो फॉर दिस वी माइनस वी वन बाई आर वन इनकमिंग प्लस जीरो माइनस वी वन बाई आर टू प्लस जीरो माइनस वी वन बाई आर थ्री इक्वल्स टू जीरो, ओके, राइट। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो टर्म को अगर इक्वल्स के उस पर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, फिर से ये इक्वेशन आ जाएगा, करके देखो घर में, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इक्वल्स के उस पर लेके जाना है, देखो ये आ जाएगा। तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में करंट की जो डायरेक्शन है वो एज्यूम कर सकते हैं। अगर इक्वेशन हम लोग सटीक लिखेंगे, इक्वेशन हम लोग राइट लिखेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा,
हो गया। तो ये तीन इनकमिंग करंट है, तीन आउटगोइंग करंट भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम आएगा आंसर, सेम आएगा, इक्वेशंस डिफरेंस हो सकता है पर आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो और यहाँ पे पुट कर दो तो V1 का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है I, सो I इक्वल्स टू V1 माइनस 0 बाई R2, यहाँ पे जो V1 का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो मिल जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत ईजी है, ओके। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम जो है वो हो गया। नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स के साथ करेंट सोर्स भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी में हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये सब मिटा दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, राइट। मान लो ये आई है, आर थ्री है, ठीक है, हो गया, ओके। ओके, हो गया। अब निकालना क्या है, सेम चीज हम लोगों को निकालना है, मान लो कि आई ही निकालना है, ठीक है, फाइंड आई, फाइंड आई, ओके। तो हम लोग सेम क्या करेंगे, एक नोड बेस एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे क्या है भी आएगा, जीरो 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 आएगा, यहाँ पे अननोन नोड भी वन आ गया, सभी अननोन नोड एक ही सेम ही नोड है, ठीक है। तो अननोन नोड पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस हम लोग हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन लिखो आर वन, ओके। इनकमिंग करंट हम लोग एज्यूम किए हैं कि ये इनकमिंग करंट है, ठीक है, हम लोग एज्यूम किए हैं कि दिस वन इज इनकमिंग करंट, दिस वन इज आउटगोइंग, दिस वन इज ऑल्सो आउटगोइंग, बट ये जो करंट है ये देखो पहले से इनकमिंग है, बाय डिफॉल्ट इनकमिंग है, ओके। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीन नोड सेम ही नोड है, तो ये जो आई है ये इस नोड में अच्छा ये आई नहीं, ये आई वन कर देते हैं क्योंकि ये आई ये सेम नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये जो इक्वेशन है, सॉरी करंट है, ये देखो पहले से इनकमिंग है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सो प्लस आई वन इक्वल्स टू वी वन माइनस जीरो बाई आर टू प्लस वी वन माइनस जीरो बाई आर थ्री, क्लियर। तो यहां से देखो सभी नोन है, हम लोग इजिली V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ड्रॉ करने जो करना करने की प्रोसेस है वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ठीके? इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए वो बेसिकली हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, तुम किसी भी मेथड से उसको सॉल्यूशन कर सकते हो, पर हम लोग जब रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो इक्वेशंस है इसको ड्रॉ करो, ठीक है, सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो अपने आप ही हो जाएगा, जो मैथमेटिक्स जिसको आता है वो इजीली कर पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो सभी नोन है, आर वन आर टू आर थ्री भी आई वन सभी नोन है, सो भी वन हम लोग इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। सो भी वन आ गया तो भी वन माइनस जीरो बाई आर टू इजीली हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक चीज, ये करेंट सोर्स जो पहले से है ये इसका जो डायरेक्शन है ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो इसका डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये इक्वेशन लिखे हैं। पिछले वाला जो इक्वेशन था उसमें करंट सोर्स नहीं था, ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था उसको हम कंसीडर करते थे, राइट। सो उस वहां पे हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये मान लो कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, हम लोग एज्यूम किए हैं इस तरफ कर सकते हैं, ये उस तरफ कर सकते हैं, पर ये जो करंट है ये पहले से प्री डिफाइंड है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते, क्लियर। अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको चेंज मत करो, ठीक है। अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे उस तरफ लाके यहाँ पे माइनस आई वन करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। तो चेंज अगर नहीं करोगे तभी कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये थोड़ा एक दूसरा टाइप का तुम्हारा के नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, देखो और एक टाइप्स का हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं,
इसको पूरा मिटा देते हैं। मान लो एक सर्किट है कुछ इस तरह से, ओके, बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, दिस इज वी वन, दिस इज वी टू, ओके, आर वन आर टू एंड आर थ्री, ओके। सिमिलरली हम लोगों को क्या निकालना है, आई, ओके, फाइंड आई, क्लियर। तो देखो प्रॉब्लम मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड में पोटेंशियल लिख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जीरो हम लोग एज्यूम किए हैं, तो ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ओके, ये जीरो है, सो दैट इज वी वन, ये देखो क्या है, ये वी एक्स हम लोग एज्यूम करते हैं। तो देखो हर एक रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पोटेंशियल लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। देखो ये जो रेजिस्टेंस है दो टर्मिनल में लिख लिए हैं, दो टर्मिनल में हम लिख लिए हैं, पर ये जो रेजिस्टेंस है ये देखो एक टर्मिनल में हम लोग लिखे हैं, पर ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे वी एक्स है और यहाँ पे एक वोल्टेज जो सोर्स है वो वी टू लगाया हुआ है, सो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वी एक्स प्लस वी टू। क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कितना अमाउंट इंक्रीज करेगा, वी टू, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो वी एक्स प्लस वी टू यहाँ का होगा, राइट। अब इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, देखो तो पहले यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वी वन माइनस वी एक्स बाय आर वन इक्वल्स टू वी एक्स माइनस जीरो बाई आर टू फॉर दिस करेंट, और ये इस आर में जो करेंट फ्लो होगा वो ये वोल्टेज और ये जो वोल्टेज है इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर थ्री होगा, है कि नहीं। ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो करेंट फ्लो होगा इस करेंट में ये वी एक्स का कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट क्या है, वी एक्स प्लस टू माइनस जीरो और आर थ्री का इफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी एक्स प्लस टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर थ्री, हो गया तीनों इक्वेशन। देखो यहाँ पे सभी नोन है, वी वन आर वन आर टू वी टू आर थ्री, ओनली वी एक्स अननोन है, तो एक इक्वेशन एक अननोन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा टाइप का इक्वेशन है। तो हम लोग देखो एक चीज समझना है कि जहां पे हम लोग पोटेंशियल लिखे हैं बेस, वहां से हम लोग सारे पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वी लिखे हैं, फिर वी एक्स, तो ये वी एक्स को समझ के हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसका जो पोटेंशियल क्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीरो, हम लोग यहाँ पे भी जीरो एज्यूम किया है, यहाँ पे भी जीरो एज्यूम किया है, ऐसे नहीं करना है। एक बार हम लोग जीरो एज्यूम कर लिए तो उसी को रेफरेंस हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, और कहीं पर भी हम लोग जीरो नहीं एज्यूम करेंगे। इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अननोन है, हो सकता है और ये अननोन नोड क्या है, एक हो सकता है और भी अननोन नोड हुआ, तो उसके वहां पे हम लोग जो केसीएल है वो अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई कर करके हम लोग इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, जितना अननोन है उतना इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो अननोन क्वांटिटी हम लोगों को आ जाएगा इजिली, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस, ये सभी हम लोग डीसी सर्किट में एज्यूम कंसीडर किए हैं, ठीक है। अगर एसी सर्किट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी सर्किट में मान लो एक दिखा देते हैं, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एसी सर्किट है, ठीक है। तो पहले ही मिलते ही ये जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है इंपीडेंस में कन्वर्ट कर लो, पहले इंपीडेंस में कन्वर्ट कर लो आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो, एक बार इंपीडेंस में कन्वर्ट कर लोगे तो सेम 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 एज प्रीवियस, यहाँ पे जो जैसे हम लोग किए थे, जैसे कंसीडर किए थे, सेम हम लोग करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, एसी सर्किट और डीसी सर्किट में फर्क कुछ कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये जो पोर्शन है इसको इंपीडेंस में कन्वर्ट कर लो, आर प्लस जे एक्स एल पता है ना, तो आर प्लस जे एक्स एल में कन्वर्ट कर लो, फिर ऐसे सेम,
क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोडल एनालिसिस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्वेशंस ड्रॉ किए हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग आज नहीं लिए हैं, तो उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेके प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।